जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडी अकाउंट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक के अंदर क्या होता है, कौन लोग इस अकाउंट को खुलवाते हैं, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे बैंक के अंदर कई तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, उसी तरीके से एक अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में आरडी अकाउंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसका मतलब है टर्म डिपॉजिट, यानी कि आपका जो पैसा है वो आप टर्म्स के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। टर्म का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पीरियड, वो मंथली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है, वो ईयर हो सकता है, यानी कि आप अपने पैसे को महीने के हिसाब से हर महीने डिपॉजिट करते हैं। आप क्वार्टरली आप 6 महीने में उसको, 3 महीने में डिपॉजिट करते हैं, आप उसको साल ब साल डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है, इसका मतलब यही होता है कि आपका पैसा आप कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड पर उसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जब आप इसको खुलवाने जाएंगे तो आपसे कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल वहां पर पूछे जाते हैं, फिर चाहे आप उसको ऑनलाइन खुलवाएं या फिर ऑफलाइन। इसमें तीन मुख्य सवाल होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप किस टाइम पीरियड के लिए, यानी कि आपका टर्म क्या रहने वाला है डिपॉजिट के लिए। आप मंथली आप अपना पैसा जमा करेंगे, आप ईयरली जमा करेंगे, आप क्वार्टरली जमा करेंगे, तो आपको यहां पर डिसाइड करना होता है कि आप कब कब आप पैसा जमा कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको रेगुलर रखना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने मंथली जमा कर दिया, अगली बार आपने ईयरली जमा कर दिया। आप अगर मंथली चूज करते हैं तो मंथली ही सारा पैसा आपको डिपॉजिट करना होता है। दूसरा जो मुख्य सवाल होता है वो होता है कि आपका टेन्योर क्या रहने वाला है, यानी कि आपका ये जो अकाउंट आप खोल रहे हैं इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा इसको डिपॉजिट का, यानी कि आप इसको एक साल के लिए खोल रहे हैं, आप इसको 6 महीने के लिए खोल रहे हैं, आप इसको 5 साल या 10 साल कितने टेन्योर के लिए इसको आप ओपन करना चाहते हैं, ये भी आपको उसी समय बताना होता है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य सवाल होता है वो होता है अमाउंट, यानी कि पैसे से जुड़ा, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कितना पैसा आप इसके अंदर जमा करना चाहेंगे हर डिपॉजिट पर। जो स्टार्टिंग है वो यहां पर आप 100 रुपए मात्र से कर सकते हैं मिनिमम, और अपर लिमिट यहां पर आपको शायद 1 लाख के आसपास मिल जाती है। तो आप 1000 जमा करना चाहते हैं, यानी कि आप जब भी डिपॉजिट करेंगे तो वही अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होगा जो आप स्टार्टिंग में वहां पर डिसाइड करेंगे। दूसरा दोस्तों यहां पर जब भी आप अपना आरडी जो अकाउंट है, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसको खुलवाएंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा होगा वो आपके अकाउंट के लिए लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि आपने अकाउंट खोला साल 2023 में और मान के चलिए कि 5.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस अकाउंट पर, तो जब आप इसको खोल रहे हैं तो यही इंटरेस्ट रेट आपके पूरे टेन्योर के लिए रहेगा, कि अगले 3 साल के लिए भी अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो आपको अगले 3 साल तक यही इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इससे मार्केट के अप डाउन का कोई भी फर्क यहां पर आप पर पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों यहां पर बात आती है कि कौन इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खुलवा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अकाउंट को एक इंडियन रेसिडेंट जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उसके पास KYC डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, वो व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है। खुलवाने के लिए आप ब्रांच पर जा सकते हैं, वहां पर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन भर के वहां से उसको खुलवा सकते हैं। आप ऑनलाइन इस किसी भी बैंक का जब आप खोलना चाहते हैं तो उसका ऐप का या वेबसाइट का यूज करके आसानी से इस अकाउंट को ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। इसके अलावा फीस की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट बैंक से वो यहां पर 100 रुपए से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है अकाउंट ओपनिंग फीस की, और जो प्राइवेट बैंक है वो आपका 500 से लेकर 1000 रुपए तक यहां से आपसे ले सकती हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।